वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरीफुल्सम प्लेटफॉर्म सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो आज की तारीख है ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर हमेशा की तरह मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट न्यूज प्रेजेंट करूंगा ठीक है तो बढ़ते आज की पहली न्यूज की तरफ द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने ये रहा क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे पहला न्यूज है प्रोफेशनल इंडियन वुमेन वर्क द मोस्ट ग्लोबली रिसेंटली आपको अगर याद हो रिसेंटली एक एक इंसिडेंट होता है कहां पे एक पे पुणे में यंग अकाउंटेंट जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा वर्कलोड प्रेशर की वजह से यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है इसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है ठीक है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो प्रोफेशनल वुमेन्स है ना इंडिया के अंदर जो वुमेन्स

वर्क स्ट्रेस एज ए कॉज तो यहाँ पे इनकी मदर के द्वारा अन्ना के, मदर के द्वारा ये ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड था बहुत ज्यादा प्रेशर था काम का इस वजह से इनकी डेथ हो गई तो यहाँ पे ये मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है कि क्या इंडिया में वेमेन्स जो कि इंगेज है प्रोफेशनल एक्टिविटीज में उनके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है और इसी बीच एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जा रही है जहां पे कंपेयर किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर प्रोफेशनल वुमेन्स कंट्रीज़ ठीक है सो व्हाट द फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इफ वी टॉक अबाउट आईएलओ बच्चा इफ वी टॉक अबाउट आईएलओ इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन organization it was established in the year 1919 the main motive to establish ILO was to make certain rules certain rules for for bacha for labor rights for labor rights also it ensures social justice also it ensures social justice याद रखना इट इन अ ट्रीटी ट्रीटी जिसे हम के से क्या कहा गया ध्यान से देखेंगे इस रिपोर्ट में कहा गया लॉन्गेस्ट वर्किंग आर्स ग्लोबली कहा जा रहा है कि जो इंडियन वुमेन इंडियन वुमेन जो कि प्रोफेशनली एंगेज है किसी भी एक्टिविटीज में वो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा आवर्स है ना स्पेंड कर रही है वाइल डूइंग द जॉब एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज ठीक है इंडियन वुमेन प्रोफेशंस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी मीडिया एंड प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड्स वर्क द हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्स ग्लोबली वुमेन्स इन आईटी एंड मीडिया जॉब्स वर्क 56.5 आवर्स वीकली यानी कि एक वीक में आउट ऑफ आउट ऑफ सेवन डेज है ना सात दिनों में सात दिन में एक दिन छुट्टी होती है नहीं कि छह दिनों में इतने नंबर ऑफ आवर्स जो है वो काम किया किया जा रहा है। है तो यहां पे एक data present किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जहां पे बताया जा रहा है कि इंडियन वुमेन्स एंड मीडिया जॉब्स ये पर वीक इतने आर्स काम कर रही है एंड इन प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल आर वर्किंग इन ठीक यंग प्रोफेशनल वर्क मोर साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो जिनकी एज 15 से 24 के बीच में है वो सबसे ज्यादा काम कर रही है, है ना?

में जिन एरियाज में ये महिलाएं काम, uh, महिला, काम कर रही है तो वहां पे भी देखने को मिल रहा है इंडियन अंडर रिप्रेजेंटेड इन प्रोफेशनलिकल्स एंड ट्वेंटी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन जॉब्स तो यहां पर कहा जा रहा है कि इनका रिप्रेजेंटेशन भी काफी ज्यादा कम है, है ना जैसे अगर मैं बात करूं अः प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल जॉब्स में तो यहाँ पे देखिए अगर 100 लोग एम्प्लॉयड हैं तो आउट ऑफ 100 8.5 सिर्फ आपको देखने को मिलेंगी साथ ही साथ अगर मैं आईटी एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो आउट ऑफ 100 पीपल एम्प्लॉयड यहाँ पे आपको सिर्फ 20 वुमेन देखने को मिलेगी तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी काफी ज्यादा कम देखने को मिला है ये बात आई की रिपोर्ट में कही जाएगी ग्लोबल कंपैरिजन अगर हम करें है ना कि इंडियन कितना काम कर रही है ना जर्मनी में आईटी सेक्टर एंड मीडिया सेक्टर में वुमेन्स जो इंगेज हैं वो थर्टी टू आवर्स पर वीक काम कर रही है रशिया की बात करू फोर्टी फोर्टी आर्स है जो कि इंडियन वुमेन की कंपैरिजन में काफी ज्यादा

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो चाहे वो मैनेजमेंट हो है ना सभी प्रोफेशन में आपको यहाँ पे काफी ज़्यादा जो वर्कलोडास्ट की जान चली गई मेल डॉमिनेटेड वर्क प्लेसेजन प्रोफेशनल फील्ड फेस चैलेंजेस वर्किंग इन मेल डॉमिनेटेड इन्वॉर्मेंट विच कैन रिजल्ट इन इंक्रीज प्रेशर लैक ऑफ सपोर्ट एंड इश्यूज ऑफ जेंडर इक्वाली मैंने आपको बताया कि इनका रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा कम है है ना आप देखो यहां साइंटिफिक एंड टेक्निकल जॉब्स में आउट ऑफ पीपल पे 8.5 वुमेन रिप्रेजेंटेशन है एंड आईटी एंड कम्युनिकेशन में 20 परसेंट तो काफी लेस रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसकी वजह से है ना हमारा जो वर्कफोर्स है ये मेल डोमिनेटेड है मेल डोमिनेटेड होने की वजह से भी है ना इनके चीजों को इनकी दिक्कतों को समझा नहीं जा पाता है ऑब्वियसली बात है है जब रिप्रेजेंटेशन किसी पर्टिकुलर जेंडर की बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम बातें भी उसी जेंडर की करते हैं है ना तो यहाँ पे प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है क्योंकि मेल जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक कंपटीशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से भी वर्क प्रेशर बढ़ जाता है

कैसी सोसाइटी हमारी स्ट्रक्चर्ड है या फिर क्या स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है वुमेन कंटिन्यू टू फेस बैरियर्स टू करियर एडवांसमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड फेयर ट्रीटमेंट आज भी वुमेन को फेयर ट्रीटमेंट है ना फेयर uh, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है या इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है आफ्टर सो मेनी इनिशिएटिव्स व्हिच हैज बीन टेकन बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द्वारा जिस पर्टिकुलर uh, कंपनी में वो काम कर रही थी उसके द्वारा नहीं मिल पाया जो की एक आम बात है विमेन के साथ

प्रेग्नेंट uh, है उनको यहाँ पे पेड लीव भी 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 प्रोवाइड किया जा रहा है है वीक से लेकर तक ना जिससे कि वो अपने uh, अपने घर वाले जीवन को भी जीवन को को बैलेंस बैलेंस कर कर सकते हैं प्रोफेशनल मटर्निटी जेंडर इक्वालिटी साथ ही साथ इनिशिएटिव्स लाइक like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हम क्या कर रहे हैं हम किस पे इंफोसाइज कर रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा वुमेन को लिटरेट बनाना चाहते हैं एजुकेट बना एजुकेटेड बनाना चाहते हैं उनको हम ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनका पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में ज्यादा से ज्यादा हो Like जहा पे हम उन्हें टेक् स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जेंडर गैप तो है ना वर्क फोर्स में जो जेंडर गैप देखने को मिल रहा है एट पॉइंट फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट जो जेंडर गैप देखने को मिल रहा है उसको ब्रिज किया जा सके ठीक है So, आगे हम क्या कर सकते हैं वर्क एंड प्रमोट फ्लेक्सिबल वर्क तो यहां पे हाई डिमांड सेक्टर्स है ना यहां पे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स अरेंजमेंट होने चाहिए एंड साथ ही साथ ये जो नंबर ऑफ आवर्स है इतने ज्यादा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इसको रिड्यूस करने की बात है जो है वो की जा रही है इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस

ठीक है सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट न्यूज़ ऑफ टुडे सेशन आई होप ये भैया पहला न्यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा जहां पे हमने पुणे के एक केस पुणे के अन्ना सेबास्टियन का डेथ हो जाता है ड्यू टू आ, उनकी मदर का कहना है कि भैया बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था और इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है <coughs> अगला न्यूज देखते हैं एक रिपोर्ट अगला यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश केसेस ऑफ ऑन तो यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो दलित हैं उनके साथ बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है जहां पे फिजिकल वायलेंस देखने को मिल रहा है है ना इस रिपोर्ट को टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा है किसके नंबर ऑफ केसेस तो जो दलित्स है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसीज है ना जो निचली जाति के लोग हैं उनके साथ फिजिकल वायलेंस उनके साथ वायलेंस उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है ना आई सो न्यूज़ क्या है अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट गवर्नमेंट डेटा गवर्नमेंट रिपोर्ट 97.7 परसेंट ऑफ अटॉसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट्स इन 2022 वेक कंसंट्रेटेड इन 13 स्टेट्स विथ उत्तर प्रदेश राजस्थान एंड मध्य प्रदेश रिपोर्टिंग डी हाईएस्ट नंबर्स सो यहाँ पे अगर मैं 2022 की बात करूँ अगर 2022 में 100 केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं 100 केसेस ऐ वायलेंस जहां पे डिस्क्रिमिनेशन है ना देखने को मिला है किसके साथ शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ तो इसमें से 100 केसेस में आप देखेंगे 97.7 केसेस जो है वो 13 स्टेट्स से बिलोंग करते हैं और इन 13 स्टेट्स में भी सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश राजस्थान एंड मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये गवर्नमेंट की डेटा है ये गवर्नमेंट की डेटा रिसेंटली आई है ठीक है वॉट आर द फाइंडिंग एज पर द रिपोर्ट अब इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई है थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ केसेस अप्रोक्सिमेटली 97.7 सेवन पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ एट्रोसिटीज अगेन शेड्यूल कास्ट में रिपोर्टेड फ्रॉम थर्टीन स्टेट जहां पर उत्तर प्रदेश राजस्थान या मध्य प्रदेश ने टॉप किया है हैविंग द हाइएस्ट इंसिडेंट फॉर शेड्यूल ट्राइब नाइनटी एट पॉइंट नाइन वन परसेंट ऑफ केसेज वर ऑल्सो कंसेंट्रेटेड

ये तो रिपोर्टेड केसेस की बात हो रही है बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि अनरिपोर्टेड होते हैं तो इतने केसेस ऑलमोस्ट 52,000 रिपोर्टेड केसेस विद उत्तर प्रदेश अलोन अकाउंटिंग फॉर 23.78 केसेस इतने केसेस अकेले राजस्थान में है अदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड राजस्थान जहां पेट मोर देन एटी फाइव हंड्रेड केसेस है

इतने केसेस उत्तर प्रदेश से अगर मैं शेड्यूल ट्राइब्स की बात करूं तो इतने केस रिपोर्ट किए गए हैं ठीक है रजिस्टर किए गए हैं और मध्य प्रदेश अलोन इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीटिंग अमंग अ सी रिलेटेड केसेस 60.838% रिजल्टेड इन चार्जशीट व्हाइल 14.70% कंक्लूडेड विद फाइनल रिपोर्ट ड्यू टू रीजंस लाइक

अगर उनको आप सोसाइटी से किसी सोशल इवेंट से बाहर कर रहे हो अगर जो उनका हक है जो उनका फंडामेंटल राइट right है अगर वो वायलेट कर रहे हो तो आप इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी बॉन्डेड लेबर फोर्स मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड फिजिकल वायलेंस इनके साथ आप फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं अगर आप इनसे साफ सफाई वगैरह जबरदस्ती करवा रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी

जहां हो सके ये सारे मामले जो है, इनको जल्दी जो है जरूरत तो है इम्पावरिंग एस सी कम्युनिटीज इकोनॉमिक इनशिएटिव एक्सपैंड स्किल डेवलपमेंट फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड अवेयरनेस कैंपेन टू और सोशल इंटीग्रेशन ऑफ एस सी कम्युनिटी बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड प्रोटेक्शन तो यहाँ पे ऐसे इनिशियटिवस लाने की जरूरत है ताकि आ, ये लोग अपने स्किल्स को डेवलप uh, कर सके स्किल्स डेवलप होगा तो ये लोग जॉब्स ले सकते हैं जॉब लेंगे तो इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा तो देखिए जो जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है उसको लोग कम कर पाते हैं तो मेन मोटिव ये है इसका ठीक है सो दिस वॉज न्यूज ऑफ टूडे सेशन जहां पे हमने डिस्कस किया कि एट्रोसाइड्स के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है से एस चीज से रिगार्डिंग रिगार्डिंग एंड के मामले सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ठीक है तो ये था आज का दो इंपॉर्टेंट न्यूज आई होप ये दोनों न्यूज आपको कंफर्म हो गया होगा अब मिलते हैं कल ठीक इसी समय पे तब तक के लिए मैं शोम सिंह अलविदा लेता हूं जय हिंद जय जै भारत